सिविल डिफेंस के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के पूर्व संध्या पर चेतना तिराहा स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिकों ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में कोतवाली डिवीजन के स्टाफ ऑफिसर जितेंद्र देव उपाध्याय ने बताया कि जिन लोगों ने रक्तदान किया है वे अत्यंत पुण्य के भागी हैं। उनके रक्त से किसी न किसी को जीवनदान मिलेगा। रक्तदान भी राष्ट्रभक्ति है, हमें निरंतर रक्तदान करते रहना चाहिए। हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने युवाओं से क्रांतिकारियों के सपनों का भारत के निर्माण में योगदान के लिए आह्वान किया। हम जैसे लोगों को समाज में जवानों की तरह सक्रिय भूमिका निभानी होगी। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। समाज को नई दिशा देने में योगदान देकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इस अवसर पर ब्लड बैंक की डॉक्टर निशा संतोष कुमार गर्ग, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, आनंद प्रकाश सिंह, रवि प्रकाश मिश्रा, राकेश कुमार जायसवाल, डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा, राकेश कुमार जुगनानी, नीरज कुमार सिंह, गौतम चटर्जी, रवि सौरभ सिंह, अभिनव जायसवाल, अनिल पांडे, विनोद सिंह, राजन चौरसिया, अक्षत शाही, अचित्य मिश्रा, दीपक यादव, तनवीर आलम, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, अर्पिता गांगुली, अनुष्का शालिनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल डिफेंस के कोतवाली डिवीजन के स्टाफ ऑफिसर जितेंद्र देव उपाध्याय ने कहा, जितेंद्र देव उपाध्याय नाम हमारा। ये हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल गोरखपुर यूनिवर्स की तरफ से है और हमारे साथ जो है सिविल डिफेंस कोतवाली डिवीजन भी जुड़ा हुआ है। हम दोनों लोग मिलके ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे रखा गया है और अभी संख्या धीरे धीरे बढ़ी रही है। इस समय के लिए मैं नागरेश्वर अच्छा कोतवाली डिवीज़न का स्टाफ अफसर भी हूँ और इसमें लायंस क्लब गोरखपुर यूनिवर्स का ट्रेजरार भी हूँ।